दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा। सोशल मीडिया पर गजब छाए थे बाबा। बाबा यानी कांता प्रसाद को दान में मिले थे खूब पैसे। धूमधाम से बाबा ने खोला था रेस्टोरेंट। नया रेस्टोरेंट खोलने वाले कांता प्रसाद फिर से कैसे आ गए सड़क किनारे? आखिर क्या हुआ उनके नए रेस्टोरेंट का? दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा तो आपको याद ही होगा। पिछले साल बाबा सोशल मीडिया पर गजब छाए। यूट्यूबर गौरव वासन ने उनकी मुफलिसी का वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और दिलवालों की दिल्ली उनकी मदद के लिए दौड़ी चली आई। बाबा का ढाबा चल पड़ा। बाबा यानी कांता प्रसाद को दान में पैसे भी खूब मिले। बाद में उन्हीं पैसों को लेकर उनका गौरव वासन से विवाद भी हुआ। मामला थाने तक पहुंचा। खैर, इन सब के बीच बाबा ने अपना ढाबा बंद कर दान में मिले पैसों की मदद से बीते साल दिसंबर में धूमधाम से एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया था। ढाबे में जहां कांता प्रसाद और उनकी पत्नी खुद खाना बनाते थे, वहीं रेस्टोरेंट में वे काउंटर पर बैठने लगे। दो रसोइये और एक वेटर काम पर रख लिए गए। शुरू में रेस्टोरेंट चला भी, लगा कि बाबा के दिन फिर गए हैं। लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद कस्टमर धीरे धीरे कम होते चले गए। खर्च बढ़ता चला गया और आमदनी कम होती गई। खुद कांता प्रसाद ने बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट में 5 लाख रुपए का निवेश किया था। 3 लोगों को काम पर रखा। उनका 1 महीने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए था, लेकिन महीने में कमाई हो रही थी मात्र 40,000 रुपए। भारी नुकसान का नतीजा ये हुआ कि कांता प्रसाद को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। बाबा कहते हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट खोलने की गलत सलाह दी गई और उन्हें काफी घाटा सहन करना पड़ा। उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब कांता प्रसाद फिर उसी फूड स्टॉल यानी बाबा का ढाबा पर लौट आए हैं, जहां से वे फेमस हुए थे। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते यहाँ भी आमदनी काफी कम है। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद कभी सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हुए थे। उनकी इतनी चर्चा हुई थी कि उनके ढाबे पर खाना खाने वालों की लाइन लग गई थी। लेकिन अब कांता प्रसाद को व्यापार में जबरदस्त नुकसान हुआ है और मजबूरन उन्हें अपने पुराने काम पर लौटना पड़ा है।